सेकेंडरी इनपुट डिवाइसेस के फॉर्म में अब हम पढ़ेंगे बार कोड रीडर के बारे में। बार कोड रीडर इस तरह के बार कोड्स को रीड करने का काम करता है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स में कई प्रोडक्ट्स के ऊपर, सामान के ऊपर आपने इस तरह का बार कोड लगा हुआ देखा होगा। ये बार कोड इन्फॉर्मेशन का एक कलेक्शन होता है। इस बार कोड में सूचनाएं श्रिंक्ड फॉर्म में यानी सिकुड़े हुए फॉर्म में रखी हुई रहती हैं। सिकुड़े हुए फॉर्म में होने के कारण, श्रिंक्ड फॉर्म में होने के कारण इन्हें खुली आंखों से पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसमें रखे हुए डेटा को अगर आप रीड करना चाहें तो उस सिचुएशन में जिस रीडर की हम हेल्प लेंगे उस रीडर को ही बार कोड रीडर या बार कोड स्कैनर कहा जाता है। ये ग्राफिक्स में दिखाया हुआ है बार कोड स्कैनर। तो यूजुअली आपने डिपार्टमेंटल स्टोर्स में देखा होगा कि जब आप कुछ सामान खरीद के लेके जाते हैं तो उस पर बार कोड रीडर लगा हुआ बार कोड लगा हुआ रहता है, और उस बार कोड को बार कोड रीडर के थ्रू जब लाइट फ्लैश की जाती है, क्योंकि ये एक ऑप्टिकल डिवाइस है, प्रकाशीय प्रणाली है, तो ये लाइट प्रकाश की एक बीम फेंकती है, प्रकाश की किरण फेंकती है, प्रकाश की किरण फेंक कर ये बार कोड में रखे हुए डेटा को निकालती है और कंप्यूटर सिस्टम के अंदर पहुंचाने का काम करती है। यानी कि बार कोड में रखा हुआ डेटा इस बार कोड मशीन के थ्रू रिट्रीव किया जाता है, निकाला जाता है और कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट किया जाता है। ये जैसा कि यहां बताया हुआ है, बार कोडिंग का सबसे ज्यादा प्रयोग डिपार्टमेंटल स्टोर्स में तथा कंप्यूटर पर आधारित पुस्तकालयों में होता है। निर्मित वस्तुओं पर इसके द्वारा बैच नंबर, मूल्य आदि प्रिंट करते हैं। इस तरह के बारकोड में मैंने जैसा कि बताया कि इन्फॉर्मेशन स्टोर होती हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो उन्हीं इन्फॉर्मेशन को ऑप्टेन करने के लिए इस बारकोड रीडर का यूज किया जाता है। अब क्योंकि ये बाहरी सूचना को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर पहुंचाने का काम कर रहा है, इसलिए इस बारकोड रीडर को इनपुट डिवाइस कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे QR कोड की। QR का मतलब यहां पर क्विक रिस्पॉन्स है, क्विक रिस्पॉन्स कोड। तो जिस तरह से बारकोड में इंफॉर्मेशन श्रिंक्ड फॉर्म में स्टोर होती हैं, QR कोड भी लगभग वही है। इसमें भी इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर्म में स्टोर होती हैं, यानी कि रोज और कॉलम्स के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, और डिफरेंस दोनों को देखकर ही समझ में आ जाता है। जहां बारकोड की हम बात करेंगे तो बारकोड हमें बार्स मतलब होती हैं इस तरह के ये पट्टे जो बने हुए हैं, ये बार्स कहलाते हैं। बार कोड हमें इस तरह का दिखाई देता है। वहीं अगर हम QR कोड की बात करें तो QR ऑलमोस्ट आपको चौकोर शेप में दिखाई देगा, मैट्रिक्स फॉर्म में इसका डिजाइन रहता है। सिमिलैरिटी दोनों में ये है कि जिस तरह से बार कोड में इंफॉर्मेशन कलेक्टेड रहती हैं, ठीक उसी तरह से QR कोड में भी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड रहती हैं। QR कोड को पढ़ने के लिए हमें ज्यादा कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे मोबाइल फोन्स में ही QR कोड स्कैनर रहता है। QR कोड स्कैनर को स्कैन कर, QR कोड स्कैनर के थ्रू आप इस तरह के QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जब वो QR कोड की जानकारी अपने पास एक्सट्रैक्ट कर लेता है, निकाल लेता है, तो एक बीप की आवाज देता है, जिसका मतलब ये होता है कि QR कोड के थ्रू, QR स्कैनर के थ्रू QR कोड की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली जा चुकी हैं। वहीं अगर बीप की आवाज नहीं आती है तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया है। ऐसा माना जाता है कि मैट्रिक्स फॉर्म में होने के कारण QR कोड बार कोड की तुलना में ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाता है, और अभी के समय में बार कोड की तुलना में बहुत ज्यादातर QR कोड का इस्तेमाल किया जाने लगा है। दूसरी बात यह कि QR कोड को रीड करने के लिए हमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। जो एंड्रॉयड बेस्ड या iOS बेस्ड मोबाइल फोन हम यूज करते हैं वो QR कोड को स्कैन करने में हमारी हेल्प करता है। इसीलिए QR कोड अभी के टाइम में बहुत ज्यादा यूज में लिया जाने लगा है, और कहीं ना कहीं इसलिए इसको क्विक रिस्पॉन्स कोड भी कहा जाता है। अगले सेकेंडरी इनपुट डिवाइस के बारे में हम बात करेंगे, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक को आप देखते से ही समझ जाएंगे कि यूजुअली इसका प्रयोग गेम्स खेलने के लिए किया जाता है। जॉयस्टिक टर्टल की आकृति का एक हैंडल दिया हुआ रहता है। उस हैंडल या लीवर को पकड़ करके दाएं बाएं आगे या पीछे की ओर घुमाकर कंप्यूटर सिस्टम पर इजीली गेम्स खेले जा सकते हैं। हालांकि गेम्स खेलने के लिए हम लोग कीबोर्ड और माउस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि कीबोर्ड और माउस गेम्स खेलने के लिए आदर्श नहीं माने जा सकते। कीबोर्ड बेसिकली टेक्स्ट इनपुट करने का माध्यम है और माउस माउस पॉइंटर के थ्रू
कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देने का माध्यम है। तो कीबोर्ड और गेम्स के थ्रू गेम हालांकि खेले जा सकते हैं, लेकिन उतने परफेक्शन के साथ नहीं खेले जा सकते, और ना ही कीबोर्ड और माउस को गेम्स खेलने के लिए आइडियल यानी कि आदर्श माना जाता है। तब गेम्स खेलने के लिए जॉयस्टिक का हम लोग यूज कर सकते हैं। ये स्पेशली गेम्स खेलने के लिए डिजाइन किया गया है, और इसमें इस तरह का लीवर दिया हुआ है जिससे आप गेम खेलते हुए ज्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोलिंग कर सकते हैं। जॉयस्टिक के साथ ही गेम खेलने के लिए ट्रैकबॉल का भी यूज किया जा सकता है। ट्रैकबॉल एक ऐसी डिवाइस है जिसमें यूजुअली एक बॉल लगी हुई होती है। उस बॉल को हम अपने हाथ से आवश्यकता के अनुसार घुमाते हैं और घुमाते हुए गेम खेलने में गेम को कंट्रोल करते हैं। इस तरह की ट्रैकबॉल आपने लैपटॉप पर भी कई जगहों पर लगी हुई देखी होगी। लैपटॉप में बीच में इस तरह का रेड पॉइंटर लगा रहता है। यहाँ पुराने समय में जो माउस जो मोबाइल आते थे, उन मोबाइल में भी बीच में सेंट्रली इस तरह का एक पॉइंटर लगा हुआ रहता था। उस पॉइंटर को भी ट्रैकबॉल ही कहा जाता है। ये आप जो डिवाइस देख रहे हैं ट्रैकबॉल टाइप की डिवाइस है। इस ट्रैकबॉल का यूजुअली मैंने जैसे आपको बताया कि टेक्स्ट इनपुट वगैरह करना इसका काम बिल्कुल भी नहीं है। इन्हें स्पेशली गेम्स खेलने के लिए डिजाइन किया गया है। ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक अलग अलग गेम्स के हिसाब से अलग अलग वर्जन्स में अवेलेबल है। गेमर्स अपनी आवश्यकता के अनुसार उन जॉयस्टिक्स को परचेस करते हैं जो गेम के स्वभाव के अनुरूप हो। फाइनली क्योंकि इनके थ्रू हम कंप्यूटर सिस्टम को निर्देश दे रहे हैं, इसलिए हैं तो ये एक प्रकार के इनपुट डिवाइसेस ही, और स्पेशली गेम्स के लिए इनका यूज किया जाता है। अदर जनरल ऑफिशियल वर्क्स में इनका ज्यादातर यूज होता नहीं है। सेकेंडरी इनपुट डिवाइसेस के रूप में लाइट पेन का भी यूज किया जा सकता है। आमतौर पे अगर हमें सिग्नेचर बनाना हो या कोई ड्राइंग करनी हो, तो अगर आप माउस के थ्रू सिग्नेचर बनाने की कोशिश करते हैं या ड्राइंग करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत ज़्यादा सही तरीके से आप ग्राफिक्स बना नहीं पाएंगे, ना ही साइन कर पाएंगे, क्योंकि माउस का जो शेप होता है उस शेप के थ्रू कुछ लिखना या साइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उस सिचुएशन में लाइट पेन का यूज़ किया जाता है। लाइट पेन की वर्किंग ऑप्टिकल माउस की तरह ही होती है, लेकिन क्योंकि इसका शेप पेन की तरह होता है, जैसे हम लोग पेन को पकड़ते हैं, लाइट पेन भी पेन के ही आकार का होता है, तो इसकी ग्रिपिंग ऐसी होने के कारण सिग्नेचर करना या किसी भी तरह के ग्राफिक्स बनाना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। नीचे आप इस ग्राफिक्स में देखें कि एक डिजिटाइजिंग टैबलेट दी हुई है। जो आप पैड देख रहे हैं, ये पैड डिजिटाइजिंग टैबलेट है। इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि यूजर एक पेन के आकार का यंत्र पकड़ा हुआ है। उस पेन के थ्रू जो भी वो उस पैड पर बनाएगा, वो ऐसा का ऐसा कंप्यूटर सिस्टम पर इनपुट होकर अपीयर होने लगेगा। ये जो पैड आप देख रहे हैं, ये ड्राइंग सरफेस का काम करता है। इसके ऊपर ये जो पेन है, ये इंक वाला पेन नहीं है। ये पेन प्रकाशीय पद्धति पर आधारित एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो लाइट की रेस फेंकती है, लाइट के बीम प्रकाश की किरणें फेंकती है, और उस किरणों को जैसे जैसे कंप्यूटर सेंस करता जाता है, तो जैसा आप ड्रॉ कर रहे हैं ऐसा का ऐसा कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट होता जाता है। तो जब भी कभी आपको सिग्नेचर इनपुट करने की आवश्यकता हो या आप क्लियर ड्राइंग करना चाहते हो बहुत परफेक्शन के साथ, तो बेहतर होगा कि आप लाइट पेन या डिजिटाइजर टैबलेट भी इसे कहा जाता है, डिजिटाइजर टैबलेट का यूज करके आप ये सारे काम कर सकते हैं। सेकेंडरी इनपुट डिवाइस की जब बात करते हैं, तो टच स्क्रीन भी इनपुट का ही काम करती है। आप एटीएम में जाते हैं या इसके अलावा आपके मोबाइल में टच स्क्रीन यूजुअली अवेलेबल होगा ही। तो टच स्क्रीन आप किसी पहचान के लिए ऐसा नहीं होता कि हम पहचाने नहीं, यूजुअली कई सारे डिवाइसेस में ये पॉइंटिंग स्क्रीन अवेलेबल होती है और आप बेहतर इसे यूज करना जानते हैं। आप अपनी फिंगर्स के थ्रू, उंगलियों के टिप्स के थ्रू इनपुट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल डिवाइस को, या एटीएम की स्क्रीन पर आप निर्देश प्रदान करने के लिए अपने फिंगर टिप्स का इस्तेमाल इस तरह की टच स्क्रीन पर करते हैं। तो यहाँ पर ये टच स्क्रीन इतनी कैपेबल है कि आपके फिंगर के सेंस को परख सके और जो आप इंस्ट्रक्शंस देते हो वो इंस्ट्रक्शंस रिसीव करके कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचा सके। टच स्क्रीन डिवाइस बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली होती है, और इसके थ्रू इनपुट देने के लिए आपको किसी भी तरह के टेक्निकल नॉलेज की भी खास जरूरत होती नहीं है। तो मोबाइल फोन्स में, टैबलेट्स में, पाम टॉप्स में, बैंक की एटीएम मशीन्स में आप इस तरह की टच स्क्रीन को देख सकते हैं।
और इसके थ्रू कंप्यूटर सिस्टम को आपकी आवश्यकता के अनुसार निर्देश या इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर टच स्क्रीन भी, क्योंकि यूजर से इंस्ट्रक्शन लेकर कंप्यूटर सिस्टम में पहुंचाने का काम कर रही है, इसलिए यहाँ पर उसकी भूमिका इनपुट की फॉर्म में की जाती है। हालांकि टच स्क्रीन के माध्यम से आउटपुट भी प्राप्त होता है, इसलिए कहीं ना कहीं ये ड्यूअल वर्क करती है। ड्यूअल का मतलब दोहरे तरीके से काम करती है, यानी कि यूजर्स इनपुट लेने में भी सक्षम है और वहीं यूजर को आउटपुट देने में भी ये कैपेबल होती है। अब बात करेंगे वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइसेस के बारे में। तो वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइसेस यानी कि वो डिवाइसेस जो यूजर की वॉइस को लेकर कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करने में सक्षम हो। जैसे हम लोग यूजुअली कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप के साथ माइक जोड़ देते हैं, तो हम जो भी बाहर बोलते हैं माइक के थ्रू वो सारा डेटा, ऑडियो डेटा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर पहुंच जाता है। तो उस स्थिति में वो माइक वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस की भूमिका निभा रहा है। वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइसेस यानी कि वो डिवाइसेस जो बाहर की वॉइस को, बाहर की आवाज को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर पहुंचा सके। आपने देखा होगा कि गूगल भी हमको वॉइस के थ्रू इंस्ट्रक्शंस देने की फैसिलिटी देता है। आप गूगल में जो भी कहेंगे वो उसको रिकॉग्नाइज करके उसके हिसाब से डेटा हमें सर्च करके बताता है। तो बाहरी वॉइस को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लेने के लिए यूजुअली माइक की जरूरत होती है, तो उस परिस्थिति में माइक को ही वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस कहा जाएगा। इसके अलावा कई तरह के अलग सेंसर्स का भी यूज किया जा सकता है इसी काम के लिए। बात यह है कि जब भी कभी बाहरी डेटा को, बाहरी वॉइस डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर पहुंचाया जाएगा, तो उस प्रोसेस को वॉइस रिकॉग्निशन कहा जाएगा। और वॉइस रिकॉग्निशन के लिए कोई भी डिवाइस यूज की जाए, भले वो माइक हो या इसके अलावा कोई सेंसर हो, वो डिवाइस वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस कहलाएगी। वीआर डिवाइसेस यानी वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइसेस के बाद डिजिटल कैमरा, या आप बहुत अच्छे तरीके से जानते ही हैं, फोटोज क्लिक करने के लिए या वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए इस तरह के डिजिटल कैमरा का यूज किया जाता है। अब इस तरह के डिजिटल कैमरा की सहायता से स्टिल फोटोग्राफी यानी फोटोज क्लिक करना और मोशन वीडियोस बनाना यानी चलित वीडियोस बनाना, दोनों ही तरह के डेटा को लेकर, यानी कि इमेज डेटा, जो स्टिल फोटोज हुए वो इमेज टाइप का डेटा हुआ, इसके अलावा जो वीडियोस रिकॉर्ड किए जाते हैं वो वीडियो डेटा हुआ, दोनों ही तरह का डेटा ये डिवाइस ले सकती है। और लेने के बाद इसे कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करके ये सारा डेटा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर पहुंचाया जा सकता है। तब उस समय, क्योंकि ये कैमरा कंप्यूटर सिस्टम में डेटा इनपुट करने का काम कर रहा होता है, इसलिए इस डिवाइस को भी उस सिचुएशन में इनपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है। तो डिजिटल कैमरा, जिसे हम यूजुअली कैमरे के रूप में यूज करते हैं, जब वो कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होता है तो उस समय उसकी भूमिका इनपुट डिवाइस के रूप में हो जाती है, और इसे सेकेंडरी इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है।